हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एयर ड्रॉप एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसे आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल फ्री में एंड एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, सभी मेम्बर्स के लिए है और इंटरेस्टिंग है। डेली के कुछ टास्क आपको कम्प्लीट करने हैं सिंपल से, तो करना क्या है वो आगे बताती हूँ, प्लेटफॉर्म आगे बताती हूँ। सबसे पहले आज के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, जो कि यहां पर मिला है स्विक्विज 3 का। स्विक्विज 3 का रैंकिंग के अकॉर्डिंग मेंबर्स को यहां पे 25 से लेकर 250 तक पॉइंट्स मिले हैं, जो 1000 तक में थे। उसके बाद में जो मेंबर्स थे उनको 30-30 पॉइंट्स मिले हैं, और जिन्होंने भी इसका क्राइटेरिया पूरा किया था और जस्ट ज्वाइन किया था उन सबको यहाँ पे 25 टोकन्स जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। 25 टोकन्स की अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे $15 का प्रॉफिट सभी मेंबर्स को हुआ है, जिन्होंने क्राइटेरिया पूरा करके जस्ट सिंपल 2500 पॉइंट कंप्लीट किए थे। और जिन मेंबर्स यहाँ पे टॉप 1000 में आए हैं उन सबको यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिले हैं। एंड यहाँ पे इसके अलावा 250 पॉइंट्स भी मेंबर्स को रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिले हैं, जो आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं कि $15 से लेके ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि $150 तक का प्रॉफिट यहाँ पर मेंबर्स को हुआ है जो रैंकिंग में आए हैं, ठीक है। और जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया था उनको भी $15 तो मिले ही हैं। एंड जस्ट थिंक अबाउट कि जिन मेंबर्स ने जस्ट सिंगल अकाउंट से क्राइटेरिया पूरा करके रख दिया था और अगर 2-3-5 वॉलेट्स बनाए होंगे तब भी उन्हें कितना प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। तो जस्ट अगर आपको भी यहाँ पर प्रॉफिट रिसीव हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पर टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कीजिएगा और मेंबर्स को मोटिवेट कीजिए, जिससे कि वो भी यहाँ पर आके प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें एंड फ्री में अर्न करें। सुई के ऊपर अपडेट वीडियो भी लेकर आई थी, क्विज कैसे कंप्लीट करने हैं वो सब मैं बैक टू बैक आपको अपडेट देती जा रही थी। तो बस फिलहाल आज के लिए ये वाला जो प्रॉफिट था इसकी अपडेट की बात हो गई। अब आज के प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, जो फटाफट यहाँ पर आ रहा है डकी सिटी के साइड से। यहाँ पर इनका जो रिवॉर्ड पूल है आप देख सकते हैं कि इतने DCM टोकन्स हैं जो ऑलमोस्ट यहाँ पर इतने डॉलर के हैं। यहाँ पे इनके इवेंट को ज्वाइन करने के लिए 10 एपोर्ट्स में इन्होंने इवेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर एक वीक में 1 एपोर्ट जो है वो आती है। गेम बिल्कुल फ्री है, जस्ट आपको प्ले करना है और प्ले करके यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न करना है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे जो एड्रॉप है वो मिलने वाला है। थोड़ा सा डिटेल्स पर चलते हैं। डिटेल्स में आने में यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि 10 एपोर्ट्स वीकली किस बेसिस पर है। 22nd of November से लेकर 28th of November पर इनकी फर्स्ट एपोर्ट चली थी, जो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेकेंड एपोर्ट पे हैं, जिससे आज से हम इसको ज्वाइन करेंगे। 29th of November से लेकर 5 दिसंबर तक ये सेकेंड एपोर्ट चलेगी। हर एक एपोर्ट में इतने इतने टोकन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही यहाँ पर रखते हैं। ये टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि कितने मेम्बर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास कितने पॉइंट्स हैं, और उसके बेसिस पर ये यहाँ पे टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे कि आपको टोटल जो है ये आपके 30th of January तक के इवेंट चलने वाला है, लास्ट 10 एपोच। तो ज़्यादातर ज़्यादा प्रॉफिट उन मेंबर्स को होगा जो सारे एपोच में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को अर्न कर पाएंगे। बाकी इन्होंने पॉइंट्स किस तरीके से अर्न करना है ये भी बता रखा है कि अगर आप यहाँ पर आकर डेली चेक इन करते हैं तो 10 पॉइंट्स आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। प्लांट्स की टेक केयर करते हैं तो 10 पॉइंट्स, और प्लांट्स की टेक केयर करने के लिए आपको क्या करना होता है, न्यू प्लांट जो है उसको डिग करना होगा, वाटरिंग करना होगा, फर्टिलाइजर करना होगा एंड इंसेक्ट वेडिंग हार्वेस्ट ये सब आपको करना होगा। एनिमल्स की टेक केयर करनी है, जिसमें आपको एनिमल को पहले बाय करना होगा, फिर उसको फीड कराना होगा, इंजेक्ट करना होगा, टॉनिक देना होगा और हार्वेस्ट करना होगा। इंटरेक्ट विद डकी सिटीज पोस्ट ऑन ट्विटर, आप यहाँ पे इनकी ट्विटर की पोस्ट को लाइक रीट्वीट करके एक अच्छा सा कमेंट करके भी यहाँ पे पॉइंट्स की अर्निंग कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो डेली आप यहाँ से 20-30-40-50 पॉइंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब किस तरीके से क्या करना है चलिए फटाफट से इनकी वेबसाइट पर आते हैं। इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा, आपको यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा और ट्विटर को लिंक करना होगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सिटी एंड फार्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिटी के ऑप्शन पे जाना है डेली चेक इन के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पर सिटी पर आ गए। यहाँ पर आते ही आपको आपके नेम का एक
पिक्चर शो होंगी, तो जिन पिक्चर्स में से कुछ हाइलाइट्स हो रहे होंगे कि आपको इन पिक्चर्स में से किस पिक्चर को क्लिक करना है, जिससे कि आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जैसे आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्री गिफ्ट्स बॉक्सेस, अब अगेन मैं चेकआउट करूँगी कि किसके ऊपर हाईलाइट हुआ था ये। सो यहाँ पे ये हाईलाइट हुआ और ये यहाँ पे क्लिक कर रहा था, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया इस पिक्चर पे और क्लेम के सेक्शन पे क्लिक किया, तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव 1 गिफ्ट बॉक्स एंड 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट मुझे मिल गए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँगी। मैं आके आप यहाँ से इन पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं अपने कैरेक्टर को इधर लेके जाती हूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पे इस क्राइटेरिया पे पहुँची तो यहाँ पे मुझे अगेन एक हाईलाइट शो हुई जहाँ पे आई हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट, क्लिक मी इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट गेम कॉइन्स इनटू पॉइंट्स। तो अगर आप चाहें तो अपने गेम्स में आपको कॉइन्स जो मिलेंगे उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं करना। अभी कॉइन्स हमको कैसे मिलेंगे, जब हम टास्क को आगे फार्मिंग पे कंप्लीट करेंगे, तो मुझे नहीं करना। सिंपली वैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो ओके के सेक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मुझे अभी नहीं करना। अभी मैं ढूंढ रही हूँ डेली चेक इन के टास्क को कि जहाँ से मैं डेली टास्क को कंप्लीट कर पाऊँ। यस, तो गाइज मैं यहाँ की साइड आई तो यहाँ पे मुझे शो हो गया कि क्लिक मी तो ये यहाँ पे शो कर रहा था, तो मैं थोड़ा इस साइड ही आती हूँ। इधर मैंने क्लिक किया तो डेली चेक इन टास्क मेरा ओपन हो गया। तो टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, या मैंने कीकर रखा था, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको जो है फार्म पे जाके प्लांटिंग करनी है और एनिमल्स को फीड करना है, एनिमल्स की टेक केयर करनी है, बट पॉइंट्स आपको डेली क्लेम करने के लिए यहीं पर आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पॉइंट्स को क्लेम करना होगा। ट्विटर पे पोस्ट करनी होगी, जो पोस्ट होगी उसको लाइक रीट्वीट और कमेंट करके उस पोस्ट के लिंक को आपको यहाँ पे देना होगा। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सबमिट का सेक्शन आएगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पर देना होगा और हैशटैग्स का आपको यूज़ यहाँ पर करना ही करना है। तो ये इस तरीके से आप डेली पोस्ट काम को कंप्लीट करेंगे। आप प्लांटिंग एंड एनिमल्स कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फार्मिंग वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको फार्म में एंटर करना है, हियर इज़ योर फार्म। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इस तरीके से क्लिक किया, मैंने डिक्के सेक्शन पर क्लिक किया तो 1, 2, 3 तो बस क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैंने यहाँ से इसको डन कर दिया। डन करने के बाद मैंने अगेन एक फार्म के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये इसने बोला हमको वाटरिंग, तो पहले मैं वाटरिंग कर देती हूँ। तो शायद गाइस यहाँ पे क्लिक करती हूँ मैं अगेन, डन क्लिक, पहले 100 कर देते हैं। तो मेरे पास में अनियन के 2 हैं यहाँ पे, तो मैं इनको ही क्लिक करती हूँ। 1, 2, 3, 2 ही होगा मतलब मेरे पास में। फिर मैं अगेन 100 के सेक्शन पे जाऊँ तो मेरे पास सीड्स नहीं है, तो मुझे बाय करना होगा। बाय मुझे फार्म स्टोर से करना होगा जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। तो मैं इस बार कैरेट के ले लेती हूँ, इसके ले लेती हूँ, बाय करती हूँ, और इस बार मैं 2 ले लेती हूँ। सो आपके पास में कॉइन्स होने जरूरी है इनको बाय करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी 100 के सेक्शन पे, मशरूम की 2 है, ओके। तो ये मैंने कर दिए। अब इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, वाटरिंग कर देते हैं। क्लिक करते जाना है बस, जो आपने फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उनको वाटरिंग कर दी मैंने और इसको डन कर दिया। उसके बाद में अगेन मैं फार्म स्टोर पे गई, यहाँ पे मैंने सीड्स तो कर लिए। अब मेरे को क्या करना है, एनिमल्स को बाय करना है,
एनिमल्स को टेक केयर करने के लिए। तो एनिमल्स के सेक्शन पे गई, मेरे पास में एक शिप ऑलरेडी है, अब मैं काऊ ले लेती हूँ। इसके लिए मुझे 3000 कॉइन्स देने होंगे, लेट्स सी मेरे पास है या नहीं। और एक ही काऊ मैं बाय कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिए। जो 5 पॉइंट्स हमको स्टार्टिंग में मिले थे वही यूज़ हो रहे हैं अभी। तो मेरे पास काऊ भी आ गई और यहाँ पे आइटम्स मिल जाएंगे। ये आपको काऊ को खिलाने के लिए आइटम्स मिल जाएंगे और ये आपको प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक ले लेते हैं हम काऊ एंड शिप को खिलाने के लिए, एंड ये एनिमल्स के लिए। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं एनिमल्स के पास में, वाटरिंग कर दी, फर्टिलाइज कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास में जो चीज़ें हैं, मान के चलिए केमिकल फर्टिलाइज जो है, मैं इसका यूज़ कर देती हूँ इसके ऊपर, एंड डन। ठीक है, अब हम चलते हैं एनिमल्स के पास। तो हमारा एनिमल हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं सिंपली यहाँ पे काऊ के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। काऊ को सेल तो हमें करना नहीं है, बट वी हैव। सो बस गाइज, इसमें इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है, अगेन जब मैंने सारे काम कर लिए फार्मिंग के एंड एनिमल्स की टेक केयर में, अगेन मैं सिटी वाले सेक्शन पे जाऊंगी, एंड यहाँ पे डेली चेकर का जो था, डेली टास्क क्लेम करने का, ये यहाँ पे क्लिक किया और टेक केयर ऑफ प्लांट्स के ऑप्शन भी क्लिक कर लिया और ये सारे टास्क मेरे कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है ये पिक्चर का, तो आपका जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको गिफ्ट बॉक्स मिलता है वो आपको यहाँ पे शो होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव 2254 कॉइन्स इसमें जाता थे। चलिए ठीक है, तो हमको मिल गए एंड टोटल कॉइन्स हमारे पास इतने हो गए। अब इन कॉइन्स को हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट कन्वर्टर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यस, यहाँ पे पोगो लिखा हुआ है, आई हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, प्लीज क्लिक मी टू कन्वर्ट योर गेम कॉइन इनटू पॉइंट्स। तो आपको पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं मैक्सिमम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो 29,000 कॉइन्स के मुझे 29 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको पॉइंट्स नहीं कॉइन की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा रिवॉर्ड के लिए हमको पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो कम से कम इतने कॉइन्स हमेशा रखिए कि आप वहाँ पे बाय सेल कर पाएँ, अपने पैट्स को फार्मिंग कर पाएँ। और जितनी ज़्यादा फार्मिंग करेंगे ना, मैंने तो आपको 4 फार्मिंग करके बताई, उतने ज़्यादा कॉइन्स आपके अर्न होंगे और उतनी ज़्यादा आप वहाँ पर पॉइंट बना पाएंगे। बाकी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, एयरड्रॉप एलिजिबिलिटी टू क्वालिफाई द एयरड्रॉप यूजर मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द टास्क स्पेसिफिक एट द एंड ऑफ अप्रोच, मतलब 30 जनवरी को जब ये एंड होगा तब स्नैपशॉट लिया जाएगा आपकी एक्टिविटीज़ का और पॉइंट्स का। तो आपके पास जितने पॉइंट्स होंगे और जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे तो उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, टोटल अप्रोच कितनी, टोटल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपने कितने अप्रोच में पार्टिसिपेट किया और टोटल पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ऑल ओवर यही थी, बस इतना ही टास्क आपको डेली बेसिस पे करना है और मुझे लगता है इजीली आप यहाँ पे कर लेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ DCM टोकन की, प्राइस की, लिस्टिंग की, तो अभी इनका TZ आना बाकी है, जो इन्होंने कहा हुआ है कि जब इनका इवेंट एंड हो जाएगा उसके बाद ही अनाउंसमेंट देंगे। सो बस गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप एक्टिव रहिए, टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही।